हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम फिफ्थ फेज का एग्ज़ाम डेट कब आएगा और इनका सिटी इंटीमेशन लिंक कब एक्टिव होगा। तो ये सारे डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फोर्थ फेज का जो एग्ज़ाम शेड्यूल सिटी इंटीमेशन लिंक जारी किया गया था दोस्तों, उसमें करीब 15 लाख स्टूडेंट का जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये फोर्थ फेज का जो एग्ज़ाम चलने वाला है वो 15/2/2021 से 3/3/2021 तक चलने वाला है, जो कि अभी चल रहा है दोस्तों। दोस्तों, फोर्थ फेज का जो एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करने के बाद दोस्तों, इसमें फिर से बड़ा बदलाव किया गया था। जी हाँ दोस्तों, लगातार दो बार जो है 1-1 लाख एडिशनल इसमें फिर से कैंडिडेट को जोड़ा गया था, जिनका फिर से एग्ज़ाम शेड्यूल सिटी इंटीमेशन लिंक जारी किया गया दोस्तों। और बताना चाहूँगा दोस्तों, एक सेंटर का तो पूरा एग्ज़ाम ही रद्द कर दिया गया, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों 22 फरवरी से 3 मार्च तक पूरा सेंटर का ही एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। ये एग्ज़ाम दोस्तों कैंसिल करने का कारण था, वहाँ धांधली, बड़े पैमानों पर पैसे लेके वहाँ धांधली किया करवाया जा रहा था, जिस कारण से एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। अगर हम बात करें फिफ्थ फेज एग्ज़ाम शेड्यूल एंड डेट कब जारी किया जाएगा, तो दोस्तों इनका फिफ्थ फेज का एग्ज़ाम शेड्यूल आज या फाइनली कल जारी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आज 23 फरवरी हो चुका है और ये जो फोर्थ फेज का जो एग्ज़ाम था वो चलने वाला है 3 मार्च तक। तो ये अभी 10 दिन से भी बहुत कम का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है 10 दिन पहले ये जारी करता है, तो आज या कल जारी हो सकता है दोस्तों। अभी तक तो कोई ऑफिशियली नोटिस आरआरबी के द्वारा जारी नहीं किया गया है, जैसे ही कोई न्यू नोटिस आता है फिफ्थ फेज एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।